आज हम खुशकिस्मत थे कि हमको गोदरेज के बाजू में हमारी जगह है, तो हम लोग को गर्व महसूस होता था कि हम लोग गोदरेज के पड़ोसी हैं। लेकिन आज गोदरेज ने ऐसा काम किया कि उसके बाउंड्री को, ठीक है, उसको रास्ता कम पड़ रहा था, तो रातों रात उसने मेरी जगह को अंदर 25 फुट 30 फुट जगह कब्जा करके आज उसने खड्डा खोद के मेरी उस बाउंड्री बनाना चालू कर दी। जो पोखले नजर आ रहा है ये गोदरेज वालों का पोखले है। ये गोदरेज वालों ने सुबह रात को ही लगा दिया था उसने। अच्छा, सुबह भी चालू था। तो ये सारी भरनी उन्होंने ही करवाई है? ये पूरी भरनी रातों रात भरनी करके खड्डा खोद के यहाँ पर है ना जी, 40 फुट मेरे कंपाउंड के अंदर घुस गए। अच्छा। और मैंने सुबह आके उसको बोला, राउत साहब को, यादव साहब को फोन किया। आज अपने हमारे बाजू में शेतकरी लोगों की जगह कब्जा करके ऐसा काम करेगी तो बहुत गलत कर रही है। आज उसको समझना चाहिए कि हमारी ब्रांड क्या है। आज गोदरेज को बहुत, आज बाजू वाले के ऊपर अन्याय करके बहुत गलत काम कर रही है। आज हमको न्याय चाहिए कि भाई हमारी जगह छोड़ के, हमारा कंपाउंड छोड़ के तुम काम किया करो। एक इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद जो है इंक्रोचमेंट का, एक छोटी सी चीज़ों के लिए इंक्रोचमेंट हो रहा है, ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं समझ में आती है कि यहाँ पे एक लैंड माफिया चल रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी किस्से हमने सुने हैं इसी जगह पे, इसी एतराफ में जो बहुत सारे ऐसे और भी वाकया होते जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है चावा फार्म हाउस, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कुद्दूस फिएस्टा ऑन 4th and 5th December, जहां आप अपनी फैमिली के साथ एक शानदार शाम बिता सकते हैं विद बुफे डिनर, स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, बारबेक्यू एंड हुक्का विद लॉट्स ऑफ शॉपिंग एंड फन। 4 और 5 December शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक, ओनली एट चावा फार्म हाउस, नेक्स्ट टू बिलाल शाह बाबा दरगाह महापोली। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी बाईपास, फ्लोरा होटल है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है गोदरेज का, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे काम चल रहा है। और उसी को लग के जो है यहाँ पे आज थोड़ा सा विवाद हुआ है। विवाद ये हुआ है कि गोदरेज को लग के एक और प्रॉपर्टी थी जो कि पटेल लोगों की जो प्रॉपर्टी मानी जाती है, भिवंडी के जो धीरज पटेल है उनकी प्रॉपर्टी है, तो उनकी प्रॉपर्टी में जो है इंक्रोचमेंट गोदरेज वाले कर रहे हैं, ये ऐसा इन लोगों ने यहाँ पे आरोप लगाया है। और उस आरोप को देखने के लिए, उस बात को देखने के लिए यहाँ पे हमारी टीम आई है, और वो देखेंगे हम कि किस तरह से जो है यहाँ पे गोदरेज वाले, जो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा आज एक पूरे इंडिया के अंदर ब्रांड है, तो वो लोग इस प्रॉपर्टी को जो है किस तरह से इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। तो हमारे साथ में धीरज पटेल साहब है जिनकी प्रॉपर्टी पर फिलहाल हम खड़े हैं यहाँ पे, गोदरेज को लग के इनकी बिल्कुल बॉर्डर पर है प्रॉपर्टी। तो धीरज भाई, थोड़ा सा आप बताइए कि क्या माजरा है और कब से आपको लगा कि जो गोदरेज वाले हैं वो आपकी प्रॉपर्टी में घुस रहे? सर, मेरा नाम धीरज पटेल है, मैं गोदरेज का एकदम पड़ोसी बोले तो बाउंड्री पे मेरी जगह है जी। आज हम खुशकिस्मत थे कि हमको गोदरेज के बाजू में हमारी जगह है, तो हम लोग को गर्व महसूस होता था कि हम लोग गोदरेज के पड़ोसी हैं। लेकिन आज गोदरेज ने ऐसा काम किया कि उसके बाउंड्री को, ठीक है, उसको रास्ता कम पड़ रहा था, तो रातों रात उसने मेरी जगह को अंदर 25 फुट 30 फुट जगह कब्जा करके आज उसने खड्डा खोद के मेरी उस बाउंड्री बनाना चालू कर दिया। अच्छा। बाकायदा उसके बाजू में मेरी गटर बनेली बाउंड्री भी है, उसकी भी बाउंड्री लगी हुई है, यहाँ पर गेट लगेला है, उसके बावजूद भी रातों रात उसने कब्जा कर लिया। और दूसरे दिन हम सुबह आके देखते हैं तो हमने उसको बोला कि भाई हमारी जगह पे आप कब्जा क्यों कर रहे हो, तो बोलता है हमारी जगह है ये। अच्छा। हमारे गवर्नमेंट से लिया हुआ है, ऐसा करके वो लोग ने हमको टाल दिया। मैं पुलिस कंप्लेंट करने गया तो पुलिस वालों ने उसको बोला कि भाई कल संडे है, उसका जो इधर इंचार्ज है उसको फ़ोन करके बोला, तो यादव साहब करके PI रिटायर पुलिस ऑफिसर है, PI इंस्पेक्टर इधर का, अभी रिटायर होने के बाद यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो जॉब कर रहे हैं। हाँ, ये जॉब यहाँ का पूरा है ना काम माजरा वो संभाल रहे हैं जी। उसको राउत साहब इधर के इंचार्ज है शांति नगर पुलिस स्टेशन के, शीतल राउत साहब ने उसको फ़ोन करके बोला कि भाई आप त्याच्यात कंप्लेंट घेऊन आले, तुम्ही काय तिथे काम चालू केला आहे, बोलता आमची जागावर केला आहे, बोलता त्याच्याकडे प्रूफ आहे, तुम्ही बघून घ्या नंतर चालू करा। तर त्यांनी बोलला उद्या संडे आहे, मी सोमवारी आपण सकाळी बसून आपण काम बघून चालू करतो। तर राऊत साहेबने बोला की एक दिन रुक जाओ फिर चालू करो, तो उसने बोला ठीक आहे। लेकिन आज सुबह मी यहां से जा रहा था
देखा मैंने कि यहाँ पर जो पोकलैंड लगा हुआ है बाउंड्री का काम चालू हुआ है। ये जो पोकलैंड नजर आ रहा है ये गोदरेज वालों का पोकलैंड है? ये गोदरेज वालों ने सुबह रात को ही लगा दिया था उसने। अच्छा, सुबह भी चालू था तो ये सारी भरनी उन्होंने ही करवाई है? ये पूरी भरनी रातों रात भरनी करके खड्डा खोद के यहाँ पर है ना जी 40 फुट मेरे कंपाउंड के अंदर घुस गए। अच्छा, और मैंने सुबह आके उसको बोला, राउत साहब को, यादव साहब को फोन किया, इधर के जो सुपरवाइजर है, बोलता है आज तो छुट्टी आए, मैं येणार नाही, उद्या आपण बघू ना। मैं बोला तुम्हाला राउत साहब ने फोन करके बोला तो भी आपने काम बंद नहीं किया, काम बंद नहीं किया, तो मैं बोला राउत साहब का कोई इज्जत नहीं है क्या? इधर के इंचार्ज है शीतल राउत साहब, आप उसकी भी बात नहीं सुन रहे, तो भी मेरा फ़ोन काट दिया उसने। अच्छा, हाँ। फिर बाद में हमें अंदर आने के बाद में ये जैसे पोकलैंड वाले को बोला कि भाई तुम लोग को ना बोलने के बाद भी चालू किया। मैंने फिर मेरे कॉन्टेक्ट वाले को बोला कि भाई ऐसे मेरी जगह पे कब्जा हो रहा है, तो मेरे सब पार्टनर ने, दोस्त ने सब यहाँ पर आए, और जैसे आप भी आप आए तो मेरे को भी एक मॉरल सपोर्ट हो गया, क्योंकि आज गोदरेज ने जैसे आज नामचीन ब्रांड आज अपने हमारे बाजू में शेतकरी लोगों की जगह कब्जा करके ऐसा काम करेगी तो बहुत गलत कर रही है। आज उसको समझना चाहिए कि हमारी ब्रांड क्या है। आज गोदरेज को बहुत आज बाजू वाले के ऊपर अन्याय करके बहुत गलत काम कर रही है। आज हम लोगों को अन्याय, हमको न्याय चाहिए कि भाई हमारी जगह छोड़ के, हमारा कंपाउंड छोड़ के तुम काम किया करो। अच्छा, मैं ये पूछूंगा धीरज भाई थोड़ा सा यहाँ पे कि ये जो आपकी जगह है या गोदरेज की जो जगह है तो ये महानगर पालिका के अंडर में आती है क्या? मेरी जगह पूरी कॉरपोरेशन के बाहर बोले तो बाउंड्री पे पिंपलास और टेमगर ये राजनोली में आती है। अच्छा, और गोदरेज की जगह पूरी कॉरपोरेशन के अंदर आती है, मतलब एकदम बॉर्डर ही अलग है, पूरा बाउंड्री है। हाँ, ये हाँ, पूरी भिवंडी कॉरपोरेशन की ये बाउंड्री है। हाँ, बाउंड्री के बाद मेरी ग्राम पंचायत में पड़ती है, MMRD में पड़ती है। अच्छा, फिर भी वो लोग को जैसे रास्ता अभी गोदरेज का काम है तो रास्ता कम पड़ रहा है, तो रातों रात मेरी जगह कब्जा कर लिया, मेरे से आके बात करे, मेरे को पूछे। हाँ, मैंने दो बार उसको यहाँ आने के बाद फ़ोन भी लगाया तो मेरा कोई फ़ोन नहीं रिसीव नहीं कर रहा है सुपरवाइज़र। अच्छा, तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और ये गोदरेज का ब्रांड बहुत तकलीफ में आ जाएगा। तो आप क्या क्या आपकी डिमांड है, क्या चाह रहे हैं आप? जो हम लोग को दूसरा कुछ नहीं, मेरी जगह छोड़ के वो लोग अपना काम करें, मेरे को उससे कोई दूसरा कोई अपने को कोई ऐसे कायदे कानून में जाना नहीं है, मेरी जगह मेरे को खाली करवा के दे दीजिए जी, मेरी डिमांड इतनी है। दोस्तों ऐसे हमारे साथ बने रहे, मैं फिरोज मेहमान द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।